तो वेलकम बैक ये इस ड्रामी की उर्दू हिंदी पार्ट 19 है और लास्ट एटीन पार्ट का एंड के किस को चुराने पर हुआ था और इस पार्ट का स्टार्ट भी यहीं से करेंगे जब सियल चंद को किस कर रहा होता है को धक्का मारती है कि अभी ये क्या कांड कर दिया है तुमने वो हैरान था की तुमने तुमने मुझे धक्का क्यूँ मारा बोलती है तुम तु, 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 तुम क्या कर रहे थे फिर हकलाते हुए वो भी इसको बोलता है मैं मैं तो वो बोलती है हाँ। तुम तुम बोलते है, मुझे मुझे कुछ पता नहीं है बोलती है तुम फिर से मजाक कर रहे थे क्या बोलता है नहीं मजाक भी नहीं था पर क्या था ये मेरे को भी पता नहीं है वो सिर्फ कोई लगता है कि वो वो तुम्हें भी मजा आ रहा था क्या जिसे सुनकर वो एकदम से बोलती है एकदम चुप रहने को दोनों फिर अपनी अपनी राह पर घबराए ये जा वो जाओन चु मुंतर हो जाते हैं इसकी किस पाने के बाद इतनी ज्यादा कंफ्यूज और शॉक में थी की जो अंदर जा रही थी इसकी मोम भी देख रही थी कि इसके होश उड़े हुए हैं दिन से ही अंदर जाकर ये जा वो जा वो ब्लैंकेट लपेट लपोट कर बिस्तर आरोप सोच सोच कर रोल होने लगती है ये सब क्या हो गया है अचानक से वो सब क्या था क्या मैं कुछ सपना देख रही थी इधर सर्जन भी बहुत ज्यादा नर्वस था बोलता है अभी मैंने क्या कांड कर दिया है मुझे अब क्या करना चाहिए मुझे हो क्या गया था भाई फिर जैसे ही ऊपर देखता है जहाँ पर हार्ट बना हुआ था ये भाई साहब लव के लफड़े में पड़ चुके हो ऊपर मानने को तैयार ही नहीं था कि ये क्या बच्चों वाली बात है मेरे को कोई लव शव नहीं हुआ और वहाँ से भाग जाता है और अब सही जाकर बेचारों की सच मुझ में नींद उड़ी थी सारी रात सोचते हुए गुजरती है क्या अब हम आगे क्या करेंगे एक दूसरे को फेस कैसे करेंगे एक दूसरे का सामना कैसे कर पाएंगे और सुलचंद मन में बोलता है मैं उसे किस कैसे कर सकता हूँ क्योंकि मैंने को किस अब मैं उसे फेस कैसे करूँगा और फिर सोचता है पर उसने मुझे किस करते हुए रोका नहीं था और न ही किस करते हुए धक्का मारा था तो क्या वो वो और आगे से चुप कर जाता है पर उसके कहने का मतलब ये था कि क्या उसे भी उस समय मजा आ रहा था या वो भी यही किस पाना चाहती थी क्या मॉर्निंग में स्कूल में शिनहा शिनखा को पैना बने देख कर मजाक बना रही थी वो रात भर सोई नहीं थी तभी वहाँ पर सामने से वो भी आ जाता है जो की मिनसे की तरफ देख कर मुस्कुरा रहा था इन दोनों को ऐसे देख कर शिनखा को मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है की शायद सोनो मिनसे के साथ आया है या फिर कम से कम सोनो मिनसे की वजह से ही स्कूल में जल्दी आया है और उसे तो फर्स्ट डे से ही लग रहा था कि इन दोनों के दरमियान बहुत ही खास किस्म की खिचड़ी पक रही है सियनो दोनों को टीचर के पास जाने का बोल कर वहाँ से चला जाता है असल में शिनहा ने मिनसई और सियनो को इकट्ठे खड़े देख लिया था जब मिनसई नम्डो से गायों के बारे में बात करने गयी थी की वो जाकर गायों को एडम के घर से वापस ले आए तब सियोनमो मिनसे और नम्डो को साथ देख कर से गायों के बारे में पूछना चाहता था जब मिनसई और सियनो इकट्ठे खड़े थे तब शिनहा ने इन दोनों को इकट्ठे खड़े देख लिया था पर शिनहा को लगा था कि वो कुछ पर्सनल लव शव की बातें कर रहे हैं तो अभी भी उसके माइंड में वही वाली बात चल रही थी तो मिनसई को बोलती है कि तुम दोनों की डेट कैसी गई सब ठीक तो रहा मजे तो आया होगा ना उसे मिनसे की जागी जागी पैंड वाली आईज देख कर लग रहा था की वो और सियन वो सारी रात को जरूर इकट्ठे रहे होंगे पर इधर मिनसई जो की सियलचंद के बारे में सोच सोच कर खड़ी थी उसे लगता है की शिनहो ने जैसे उनके किस करने वाली बात को पकड़ लिया है और वो उसके और सियोलचंद के बारे में बात कर रही है तुम तो इनसे उसे नाना गति वहाँ ऐसी भाग जाती है इधर डॉग को दोबारा से सोनवो को अपने पास बुलाकर पूछती है कि तुम गायों से मिले हो क्या वो कहाँ है और क्या कहा उसने कि क्या वो स्कूल आएगा या नहीं सोनवा इनको बताता है कि मैं ऐसे मिला बात की पर स्कूल आएगा या नहीं ये उसने नहीं बताया है फिर डोगो उससे पूछती है पर उसके साथ हुआ क्या है ऐसा जिस पर सियो इनको क्लियर कट कुछ भी नहीं बताता है पर इनको बोलता है वही सब कुछ जो कि आप मैं और हम सब ऑलरेडी जानते हैं और फिर डोगो को सोता हुआ छोड़कर कर वहाँ ऐसी बाहर निकल जाता है मिनसे क्लास में जाकर सियोलचन की गई किस्त को लेकर सोच सोच कर मरी जा रही थी कि मैं उसके साथ कैसे बैठूंगी उसे कैसे फेस करूंगी तभी जब वो वरिड होती है शिन्हा उसके पास आकर उससे बताती है की सियल चंदोर वापस आ गया है थके होने की वजह से आज शायद वो स्कूल नहीं आएगा जिसे सुनकर मिनसे थोड़ी रिलैक्स हो जाती है कि चलो ठीक है फिर मैं थोड़ी चोट होकर बैठती हूँ तब तक दोनों देखती हैं कि गायो क्लास में वापस आ गया था गायो देखता है कि सब क्लास के लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं पर पूरी क्लास में सिर्फ एक फेस जो उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा रहा था वो था मिनसई का जिसे देख कर वो काफी रिलैक्स होता है कि चलो मिनसई के क्लास में होने की वजह से एक सुकून की बात तो है वो कॉन्फिडेंट होकर जाकर सीट पर बैठ जाता है फिर शिन्जी उसे वापस क्लास में दोबारा से देख कर बुली करने लगता है कि हमारा रेडियो अचानक कहाँ गायब हो गया था मैं वरी था कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया है या फिर ऊपर भगवान के दर्शन करने को तो नहीं पहुंच गया कहीं हमारा रेडियो इधर शिंजी को पूरी क्लास के साथ गायों का मजाक उड़ाते देख देखते किमन उसको रोकने लगती है कि उससे पहले मिनसी ऊंची आवाज में फौरन से शिंजी को ललकाती है अब प्रेजिडेंट माजून ही के गुलाम और उसके चमचे ये सुनकर शिंजी का मुँह खुले का खुला रह जाता है मिनसी जाकर उठकर उसके पास जाकर बोलती है पहली बार में किसी इंतहा बुजदिल इंसान को देख रही हूँ और वो खुशिया बिल्ली की तरह अपनी बेज्जती पर हंसते हुए कूल बनने की कोशिश करता है और मिनसही पर आगे से तंज करता है कि देखो तो कौन बोल रहा है यही गलती से वो या ने इस शेफर्ड गर्ल को मुंह तो नहीं लगा लिया जिसके पर निकल आए हैं और अपने पर फटफड़ा रही है जिसको सुन सब लोग बोलते हैं हाँ शिंजी बिल्कुल ठीक बोल रहा है सियलचंद के साथ बैठने की वजह ऐसी इतनी होकर दिखा रही है सभी की बातें सुनने के बाद शिंजी को बोलती है तभी तो मैं तुम्हें मुजदिल बोल रही हूँ सोनो और सोलचन से तुम डरते हो इनका सामना करने की हिम्मत नहीं है तुम में तो मुझसे की गलती मत करना वरना अपनी हालत तो देख ही सकते हो कि तुम्हारी कैसी दुर्गत बनेगी फिर अरे फिर इधर दबंग गंगू बाई स्टाइल में शिंदे को बोलती है तुम और न ही क्लास के बाकी किसी भी इंसान को मैं आइंदा डायो को कुछ कहते या फिर उसे बुली करते देखूँ और सुनू अगर किसी ने ऐसा किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मिनसी शिंदे को तंज करते हुए दोबारा से बोलती है बना बना खाना खाने वाले ये राइस को बॉईल करने के लिए पानी कितना लेते हैं तुम्हें तो अच्छे से राइस को धोना भी नहीं आता होगा इवन के कुकर का बटन प्रेस करना भी नहीं जानते होगे गए और बड़े आए दूसरों को बुली करने वाले सबको बुली तो तुम्हें करना चाहिए तुम पर हंसना चाहिए तुम्हारा मजाक बनाना चाहिए जिस पर शिंजी को तब चढ़ जाती है और फौरन ऐसी चिखता चलाता मिनसी को अपना गुस्सा दिखाने लगता है तभी नम्डू दुबंग स्टाइल में क्लास में आकर उसको आंखें दिखाता है जिस पर शिंजी रुक जाता है फिर नम्डू गायों का बैग लेकर उसके पास जाता है और उसकी तरफ उसका बैग फेंक कर वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और शिंजो को दोबारा से आंखें दिखाता है और मिनसी को वापस जाकर अपनी सीट पर बैठने को बोलता है कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है जिस पर मिनसे भी हैप्पी हो जाती है और शिंदे की तरफ देख कर हंसते हुए उसको मजाक करती तंज से वापस चली जाती है और शिंदे भी नम्बू की आंखें दिखाने के बाद आराम आ जाता है नम्डो से पंगा इज नॉट चंगा अपनी मुसीबत को थोड़ी ना देनी है जब क्लास में आता है तो वहाँ पर गायों को देखकर वो भी काफी हैप्पी था फिर अपनी पूरी क्लास को अगली क्लास के लिए किसी और रूम में जाने का बताता है सब लोग वहाँ से चले जाते हैं पर मिनसे पीछे सेट बैठी थी और वो मिनसे की तरफ देखने लगता है फिर मिनसे के माइंड में सिर्फ और सिर्फ था कि पता नहीं वो स्कूल आएगा या नहीं वो इसी कंफ्यूजन में होती है कि कॉल के लिए सेल भी निकालती है पर हिम्मत नहीं कर पाती उसे कॉल करने की आखिर अगर उसके कॉल करने के बाद वो स्कूल आ गया तो मैं उसका ना कैसे करूंगी और इस इरादे को कैंसिल कर देती है सियनवो इसके पीछे पीछे था वो उसकी सभी हरकतों को नोट कर रहा था और इसकी खुद से की जाने वाली सभी बातों को वो क्लियरली सुन रहा था फिर वो इसको बोलते हुए सुनने लगता है वो बोलती है अच्छा है वो स्कूल नहीं आया आज फिर इसको पागल होते देख कर पूछता है कि क्या किसी की कॉल का वेट कर रही हो तो बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं फिर सियनवे को बोलता है वो वो तुम्हारे लिप्स आरोप जिसमे फौरन से अपने लिप्स को बुख से छुपाने लगती है कि क्या क्या हुआ मेरे को कुछ अजीब दिख रहे हैं क्या मतलब उसके माइंड में सियोलचन की किस वाली बात चल रही थी कि कहीं कि सब को पता तो नहीं चल गया कि ने मुझे किस की है जिसकी वजह से वो अपने लिप्स रही थी और और सोनू भी उसको अजीब अजीब करते देख तो काफी हैरान हो जाता है और फिर इसको बोलता है फिर बोलता वो वो तुम्हारे लिप्स आरोप कुछ बाल है मैं ये कह रहा था जिस पर वो भी रिलैक्स हो जाती है और फिर वो उसके लिप्स ऐसी बाल हटाने लगता है की तब तक किमनाना इन दोनों को ऐसे देख कर दूर ऐसी आवाज देकर सोनू को रोक देती है और फौरन से खुद पास कर मिनसे के लिप से बाल हटाती इनकी तरफ तंज से देखकर कर वहाँ ऐसी निकल जाती है मतलब सचमुच में बिचारों की गेम बजा देती है इधर रात भर जागे होने की वजह से को इनकी क्लास में स्टार्ट हो जाती है अभी थोड़ी देर पहले इनकी टीचर ने इनको क्लास में एक सॉन्ग दिखाया था जिस पर मिनसे को अपने आस हर तरफ थोड़ी देर पहले सॉन्ग के आर्टिस्ट हर तरफ अपने इर्द गिर्द करीब करीब नजर आ रहे थे पूरी क्लास में भी वो उनको अपने सामने सिंगिंग करते देखती है और फिर से ही क्लास एंड होती है बाहर जाकर भी वो उसके साथ साथ थे और उसे यूं लग रहा था जैसे वो उसे सोलचन से लव हो जाने के बारे में इशारा दे रहे हूँ फिर सोनू भी जब पूरी क्लास के चले जाने के बाद क्लास से बाहर निकलता है को बाहर अकेले बैठे सिंगिंग करते देख लेता है और फिर दोबारा से वो उसको फॉलो करने लगता है और उसके पीछे पीछे जाकर उसको बोलता है कि क्या आज दिन भर सोग मनाने का इरादा है और उसकी हालत देखकर पूछता है कि क्या हुआ है तो बताती है मुझे हेलुसिनेशन हो रही है तब तक भी वहाँ पर स्कूल में आ जाता है और मिनसी को उससे वहाँ पर देखकर लग रहा था कि ये उसका वहम है उसकी हेलुसिनेशन ही है पर फिर उसे विश्वास तब आता है जब सियलचंद उसे ले जाकर अपने साथ सीट पर बिठा देता है पर तब से लेकर अब तक उस बेचारी से सर भी नहीं उठाया जा रहा था उसे देखने के लिए शर्म से पानी पानी बैठी थी इधर सिन्हा सियलचंद को वहाँ पर देख कर भागी भागी उसके पास आकर उससे बताती है की उपमा मुझे लग रहा था जैसे तुम अचानक स्कूल आए थे ऐसे ही किसी दिन हम सबको बताए बिना अचानक ही स्कूल से गायब भी हो जाओगे इसकी बात सुनकर इससे प्रॉमिस करता है कि मैं जाने से पहले किसी और को नहीं मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा जिस तक दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं पर फिर हंसते हंसते तो को देख कर दोनों अचानक से रुक जाते हैं फिर सिन्हा सोलचन को बताती है पता नहीं तुम्हारी सीट पार्टनर को आजकल क्या हो चुका है सुबह से साइलेंट मूड में है सिन्हा को लग रहा था कि जैसे वो बीमार है सिन्हा के वहाँ से चले जाने के बाद सियलचिन इससे पूछता है सचमुन मैं बीमार हो क्या वो बोलती नहीं नहीं तो और फिर सियल भी उसके अपनी तरफ देखने पर जल्दी से बाहर की तरफ देखने लगता है इधर मिन से भी अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए जल्दी से अपने पास पड़ी बुक उठाती है और उससे अपना फेस कवर कर लेती है जिस पर वो भी थोड़ी देर उसकी तरफ देखता रहता है और फिर उसे जल्दी से उसकी बुक सीधी करके पकड़ाता है अभी ये उल्टी पकड़ रखे तू ने इधर सियन वो भी मिनसे की तरफ देख रहा था कि वो सियोलचंद को देखकर नर्वस है और उसकी तरफ देखने से घबरा रही है और इधर छुट्टी हो जाती के बाद दोनों ही सीट पर बैठे रह जाते हैं एक दूसरे को कुछ बोलना चाहते थे पर बोल नहीं पाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए फिर चन इसको बोलता है अच्छा तो फिर मैं पहले जाता हूँ उनसे बोलती है ठीक हाँ, है जाओ कि तभी शिन सल्चन के पास आ जाती है और उससे पूछती है की क्या आज वो बिजी है जिस पर वो आगे ऐसी फौरन ऐसी बोलता है हा, हा, मैं बहुत बिजी हूँ मेरे पास करने के लिए आज कुछ बहुत ही स्पेशल काम है और वहाँ ऐसी भाग जाता है वो असल में डर रहा था की कहीं पर शिन्हा उनके साथ चलने को उससे न बोलते तो वो मिनसे का सामना कैसे कर पाएगा इधर सोन वो भी सभी का सभी ड्रामा चुपके चुपके से सब कुछ देख और सुन रहा था और इधर किमनाना जो कि अपनी सारी की सारी नजरे सोनवो पर गाड़े बैठी थी जब वो देखती है कि अब के चले जाने के बाद मिनसे के पास जरूर जाएगा जिस पर किमनाना फौरन से टेक्स्ट करके सोनवो को अपने साथ उसकी तीसरी बारी पूरी करने के लिए बुलाती है फिर बाहर निकलते हुए नंदू किमनाना को सामने खड़े देख कर उसे गायों को सेव करने के लिए थैंक्स बोलता है इधर सोनवो को सीधा अपनी गवर्नमेंट फैक्ट्री में ले जाती है और उसको एक जैकेट ट्राई करवाने लगती है और उसको बोलती है कि वो इस जैकेट की फिटिंग चेक करना चाहती थी सोनवो के पूछने पर कि ये उसने किसके लिए बनाई है तो उसको बोलती है कि मैंने वैसे ही बनाई है तो बस मैं उसकी फिटिंग चेक करना चाह रही थी पर वो झूठ बोल रही थी उसने असल में सोनवो को ही अपने माइंड में रख ये जैकेट खास उसी के लिए बनाई थी पर डायरेक्ट पर डायरेक्ट उसे ये बताने और देने के लिए वो काफी शर्मा रही थी जिसके लिए झूठ बोल देती है और फिर सोनवो के अपने करीब करीब होने की वजह से ऐसे कुछ कुछ हो रहा था और फिर इस जैकेट को चेक करवाने के बाद तो सोनवो को बोलती है कभी एक और जैकेट को भी मुझे तुम पर ट्राई करवाना है जिस पर उसे वेट करने के लिए बोलती है और सोनवो भी मान जाता है और जब वो वेट करते हुए वैसे ही अकेला बैठा होता है तो उसकी तरफ देख कर उसको बोलती है की कोई बुक ही क्यूँ रीड कर लेते हो वैसे भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तुम्हे जिस पर सोनवो को भी उसका आइडिया काफी अच्छा लगता है और जैसे ही वो अपनी बुक रीड करना स्टार्ट है दादा ऐसे खामोशी ऐसी जीप भरकर देखने लगती है सियोलचंद कभी मिनसे को सोच सोच कर और इनकी कीगी किसके बारे में सोच सोच कर इसका दिमाग घूम हुआ था गाड़ी में हयंग इससे पूछ कुछ रहा था वो बोल कुछ रहा था और आगे से हयंग भी सर हाँ हाँ में हिलाता जा रहा था ये समझ तो मेरे को भी कुछ नहीं आ रही है मैं पूछ बाप रहा हूँ और मेरे को बता दादा रहा है पर खैर कोई बात नहीं अपना सियल है तो ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना और फिर रात को गवर्नमेंट फैक्ट्री ऐसी निकलने के बाद किमनाना सियोनवो के पूछने पर इसको बताती है कि क्लॉथस को डिजाइन करना उसने कैसे स्टार्ट किया और इसको बताती है कि ये उसका ड्रीम नहीं है कि उसे क्लॉथिंग डिजाइनर वही बनना है फिर इसको अपने की स्टोरी सुनाने लगती है कि मेरे डैड के गैंगस्टर होने की वजह से वो वैसे ही बिजी रहते थे सारा दिन और मेरी मॉम का होम सेल होने की वजह से वो भी अपने काम में बिजी रहती थी जब चाइल्डहुड में उसकी मॉम उसके पास नहीं होती थी तब वो अपनी डॉल्स के साथ खेला करती थी और उनके ड्रेस बनाया करती थी पर फिर बड़े होते हुए इससे इस सब में इंटरेस्ट नहीं रहा तो उसने अपने टाइम को किल करने के लिए और अकेलेपन को दूर करने के लिए लोगो के क्लासेस बनाना शुरू कर दिए थे और कि मुझे लगता है तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है लाइफ में पर ड्रीम के बिना कोई लाइफ नहीं होती तो मुझे लगता है तुम्हारा भी कोई जरूर ड्रीम होना चाहिए जिस पर वो मुस्कुराने लगता है तो उसको बोलती है मैंने तो एक ही ड्रीम देखा है बस कि कैसे भी करके मुझे हाई स्कूल से डिप्लोमा लेना है और फिर मैं घर से भाग जाऊंगी जिस पर चमोज की तरह हैरानगी से देखता है कि ये कैसा ड्रीम हुआ तो बोलती है होंगी दूसरे लोगों के कुछ और ड्रीम भी पर मेरे डैड ने भी मुझे बोल रखा है कि जब मैं हाई स्कूल का डिप्लोमा हासिल कर लूंगी तो वो मुझे चुपचाप घर से जाने देंगे और मेरे पीछे ब्लैक सूट वाले भी नहीं भेजा करेंगे तो बस मैं तो उसी दिन का वेट कर रही हूँ मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे होगा मैं अच्छे से अपने दोस्तों से मिल पाऊंगी और जो करना चाहती हूँ वो खुलकर कर पाऊंगी फिर से बोलती है कि बाकी हमारी जितनी भी बारियाँ रह गयी है वो सब की सब तुम तो मुझे बास गिटार सिखाने के लिए पूरी करोगे जिस पर सोनवो भी मान जाता है मतलब अब सियनवो और किम नाना की थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन रही थी सियनवो को अब किम नाना के साथ रहना इतना ज्यादा बोर नहीं लगता था अब सियल ने भी इस बात को मान लिया था की वो मिनसई को लाइक करता है और उसको समझ नहीं आ रही थी की वो मुंसई को अपनी फीलिंग के बारे में कैसे बताएगा वो उसे सिर्फ आई लाइक यू आई लव यू नहीं बोलना चाहता था ये तो घिसे पिटे वर्ड्स हैं और ऊपर से और भी इन सब को बोल चुका है मिनसे को और वो कैसे भी करके तो सोनवो की तरह तो किसी भी सूरत में को प्रपोज नहीं करना चाहता था और फिर बहुत देर तक वो सोचता रहता है और फिर सोच सोच कर भी उसे कोई न्यू वर्ड नहीं मिल रहा था कि जिससे सांप भी मरे और लाठी भी बच जाए के जिसमान और इसकी फीलिंग्स भी मिनसे तक पहुँच जाए और वो समझ जाए और इसका कन्फ्यूज भी पूरा हो जाए फिर मिनसे की शीप डॉल को देख कर उसे याद आता है कि जब मिनसई ने उसे रोते हुए कहा था फिर बोला था की ये शीप डॉल वो वापस ले ले क्योंकि अब उसका बॉयफ्रेंड है तो बोलता है ठीक है इस बात को मैं भी मानता हूँ मेरी किस को क्यों लिया था और उसके मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं इधर मिन्सी फीलिंग है पहले छुप छुप कर स्टेज पर देखती है कि कहीं फिर किसी गुफा में छुपा हुआ सर्जन उसके सामने न आ जाए और फिर हर तरफ से वेदर को क्लियर देख के तो ऊपर जिस जगह उन दोनों ने किस की थी उस जगह से बचती बजाती दूर दूर से गुजर कर डोर पर पहुँचती ही है और अंदर जाने के लिए देखती है सियोरचंद ने इसको से आवाज देकर वहाँ पर रोक लेता है और जिन की वाले जिन की तरह उसके सामने आ जाता है मतलब जिस बात, को था, बात हुई थी। फिर यहीं पर का एंड हो जाता है तो बस थोड़ी सी देरीोड के, के साथ तो तक तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ड्रामा के अच्छे अच्छी एक्सप्लेन के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना में अपने अच्छे कमेंट ऐसी मुझे बताइएगा आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द